स्पाइस लीक्स का कमाल, दुनिया भर में सियासी भोचाल, बड़े बड़े पर्दा नशीन बेनकाब, मुखालिफीन कार्रवाई के लिए हम आवाज। ऑफशोर कंपनी के इंकशाफ के बाद मलिका एलिजाबेथ से मुआफी का मुतालबा। अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन की क्वीन पर शदीद तनकीद। टेलिसन समेत ट्रंप के करीबी साथियों का नाम आने पर अमरीका में भी हलचल। डेमोक्रेटिक सेनेटर्स का अमरीकी सदर के दामाद के रूस से राब्तों की तहकीकात का मुतालबा। ICIJ के जारी करदा दस्तावेजात में 300 से जायद पाकिस्तानी भी शामिल। शौकत अजीज, अयास न्याजी, सदरुद्दीन हाशवारी भी फहरिस्त का हिस्सा। साबिक वजीर आजम ने दो ट्रस्ट बनाए, अयास न्याजी की 4, हाशवानी की 2 ऑफशोर कंपनीज का इंकशाफ। अमिताभ बच्चन, विजय माल्या, संजय दत्त की बीवी और कई वज़रा समेत 714 भारतीय शख्सियात के नाम भी पैराडाइज लीक्स का हिस्सा। कांग्रेस ने महाज खोल लिया, तहकीकात के लिए दबाव। मोदी सरकार ने मुख्तलिफ एजेंसियों पर मुश्तमिल टीम बनाने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब में 24 घंटों के दौरान 2 शहजादे जाँ भाग। मंसूर बिन मकरन हेलीकॉप्टर को हादसा, अब्दुल अजीज बिन फहद की गिरफ्तारी के लिए छापा। गार्ड से फायरिंग का तबादला, 44 साल शहजादा दम तोड़ गया। उधर सऊदी अरब में करप्शन के खिलाफ ट्रैक डाउन के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमत 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। नवाज शरीफ और जरदारी हमेशा अपने लिए खेलते हैं। लुटेरों ने मुल्क कंगाल कर दिया, इख्तदार मिला तो पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा कर देंगे। इमरान खान की अटक में ललकार, बोले तहरीक इंसाफ में वही आएंगे जो अवाम के लिए कुछ कर सकें। पीटीआई ने काफ लीग की बड़ी विकेट गिरा दी। चौधरी शुजात के बहनोई ताहिर सादिक बेटे और बेटी समेत कप्तान के स्क्वाड में शामिल। तहरीक इंसाफ की तजवीज, मुस्तरद असेंबलियां मुद्दत पूरी करने पर ही तहलील होंगी। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत नून लीग इजलास में फैसला। नई हलकाबंदियों के मामले पर भी गौर, एहसन इकबाल कहते हैं पीटीआई को अपने अराकीन पर ही एतमाद नहीं, कभी एनआरओ की तरफ देखा ना ख्वाहिश है। आइन में टेक्नोक्रेट हुकूमत का भी कोई जवाब नहीं। साद रफीक ने शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा का मुतबादल उम्मीदवार करार दे दिया। इंतखाबी हलका बंदियों का मामला, हलकों में रद्दो बदल का बिल असेंबली में पेश ना हो सका। स्पीकर ने मामले पर गौर के लिए पार्लियामानी रहनुमाओं का इजलास कल बुला लिया। ओपोजिशन लीडर खुर्शीद चाह कहते हैं नून लीग ने 2013 के इलेक्शन 1998 की मरतुमशुमारी के नतज पर जीते, अब भी एतराज नहीं होना चाहिए। इमरान खान ने इलेक्शन रिफॉर्म्स एक्ट 2017 सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अवामी मफाद के आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर। इंतखाबी कानून में की गई तरामीम आइन से मुतसादिम है। असेंबली रुकनी से नाहल होने वाला शख्स पार्टी ओहदा नहीं संभाल सकता, दरख्वास्त में मौकिफ। चौधरी बरादरान नैब लाहौर के रूबरू पेश। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही ने अकाउंट्स और असासा जात पर मुश्तमल फाइल जमा करा दी। इल्जामात की तर्दीद, परवेज इलाही कहते हैं नैब ने जो पूछा उसकी तफसीलात बता दी, दोबारा बुलाया गया तो भी जाएंगे। उधर इसहाक डार के बेटे गैर हाजिर, दोबारा तलब किया जाएगा। आमदन से जायद असासे कैसे बनाए, चेयरमैन नैब की अरबाब आलमगीर। आसमा अरबाब के खिलाफ तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। जस्टिस रिटायर जावेद इकबाल की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले।
डेंगू मोबाइल स्मगलिंग केस, डीजीकॉम के मैनेजर एडमिन इमाद की कराची की अदालत में पेशी। जिस्मानी रिमांड पर कस्टम इंटेलिजेंस हुकाम के हवाले कर दिया गया। स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला बंगला डायरेक्टर डीजीकॉम जीशान यूसुफ की मलकियत है। जीशान यूसुफ ने स्मगलिंग की जिम्मेदारी मोहम्मद इमाद को दे रखी थी। तफ्तीशी ऑफिसर का अदालत में बयान, डायरेक्टर डीजीकॉम और क्लियरिंग एजेंट की गिरफ्तारी के लिए छापे। पाकिस्तानी कंपनी होने की दावेदार क्यू मोबाइल, भारतीय फनकारों की प्रमोशन में मसरूफ, कमर्शियल्स में मुल्की सुपरस्टार्स नजरअंदाज। भारतीय फनकारों पर मेहरबानियां, शाहिद कपूर, करीना, सोनम, आलिया, ट्विंकल खन्ना को कास्ट किया, अर्जुन, जरीन खान और दीगर को भी भारी मुआवजे दिए गए। भारतीय कंपनी के इश्तिहार की कॉपी का भी इंकशाफ। और इस मौका राज बरकरार, जिंदगी धुंधला गई, मामूलात धर्म बरहम, पंजाब में तालीमी इदारों के औकात एकार तब्दील, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी धुंध के डेरे, सड़कों पर हद निगाह कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासर, कई मकामात पर हादसा। सरगोधा के ट्रांसपोर्टर्स का लाहौर में नवाज शरीफ की रिहाइश के बाहर एहतजाज, साबिक वजीर आजम को इस्लामाबाद रवानगी के लिए पिछले दरवाजे से निकलना पड़ा। मुजाहिरीन का वजीर आला पंजाब के पर्सनल सेक्रेटरी इमदाद बोसाल, हुकूमती एहलकारों, डीआईजी और डीपीओ पर भत्ता मांगने का इल्जाम, पुलिस से मुजाकरात के बाद एहतजाज खत्म। मॉडल टाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म, लाहौर हाई कोर्ट आइंदा समाअत पर रिपोर्ट का इन कैमरा जायजा लेगी। जुडिशियल कमीशन रिपोर्ट मंजरेआम पर लाने के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपील की समाअत 3 रुकनी बेंच ने की। अमेरिका का डू मोर, पाकिस्तान का नो मोर, ट्रैक टू डायलॉग का चौथा इजलास, अमरीका की अफगान पॉलिसी पर पाकिस्तानी तहफ्फुज़ात बरकरार, ख्वाजा आसिफ कहते हैं एतमाद का फुकदान है, अमेरिका अफगान मुहाजरीन के लिए 4 मिलियन लगा देता तो शिकायत ना होती, पाकिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों की हर्जा सराई दुरुस्त नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौर है ईरान, सिपा सालार की तेहरान में ईरानी हमनसब मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात, दो तरफा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीक का लाहौर से इस्लामाबाद मार्च, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की ज़ेरे क़यादत शुरका मंजिल की जानिब रवा दवा, कारकुनान की नारेबाजी, राना सना के कादियानियों को मुसलमान करार देने पर कार्रवाई की जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। साफ पानी मंसूबे समेत 56 कंपनियों में अरबों की करप्शन का मामला, लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली, फरीकैन को नोटिस जारी, आइंदा समाअत पर तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। आजकल शहरों ने अपनी बेगमात को बतौर तोहफा देना शुरू कर दिया यह टमाटर। सिंध असेंबली में भी महंगे टमाटर का रोना, आवाम की दस्तरस से दूर टमाटर ने पार्लियामेंटेरियंस को भी परेशान कर दिया। एमकेएम के रुकन कामरान अख्तर ने ईवान में टमाटर दिखाते हुए कहा कि शौहर अपनी बीवियों को ये तोहफा देने लगे हैं। कराची में माजूर अफराद का सिंध असेंबली के बाहर धरना, कोटे के मुताबिक मुलाजमतें न मिलने पर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, एक खातून बेहोश, एक पुलिस का धक्का लगने से जख्मी हो गई।
अमरीकी रियासत टेक्सस में चर्च पर फायरिंग, 26 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। अमरीका का दोहरा मियार, ट्रंप का वाकये को दहशतगर्दी करार देने से गुरेज। फायरिंग का हथियार के कानून से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरे ममालिक की तरह अमरीकी शहरियों को भी नफसियाती मसाइल का सामना है, अमरीकी सदर का मौकिफ। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टी20 सीरीज पर शकूक व शुभात। वेस्ट इंडियन बोर्ड ने रवा माह दौरा न्यूजीलैंड के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी के दावे पर सवालिया निशान, मौसम भी आड़े आने का इम्कान। और चीन में फ्रीस्टाइल पार्क वर्ल्ड इवेंट, खतरों के खिलाड़ियों ने बड़े कारनामे दिखाए। स्केटबोर्डिंग और साइकिलिंग इवेंट का हिस्सा अमेरिका के निक क्रॉस सब पर बाजी ले गए। ऑस्ट्रेलिया के लोगन मार्टिन की दूसरी पोजीशन।